हेलो एवरी वन द लेक्चर नंबर थ्री स्पेशली इन के सेशन में जो अपडेट्स हैं उन पर हम लोग बात करेंगे इसके पीछे हम लोगों ने दो लेसन्स कर लिए हैं और मेरे ख्याल से आप लोगों ने उनके रिविजन भी कर लिए होंगे मेरा नाम डॉक्टर रवि ग्ररी है और आप मुझे पूर्वांचल लाइस इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं ये वो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको पीडीएफ शेयर होते हैं और आपको पता ही है इस टेलीग्राम ग्रुप से जाकर आप पी को ले लीजिएगा और अपना समय बचाइएगा इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मैं आपको अवेलेबल मिल जाऊँगा और ये वो यूट्यूब प्लेटफार्म है जहाँ आपको लगातार वीडियोस अपलोड होते हैं आपको यहीं पर जुड़े रहना है ये और ये दो ही ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं साइंस टेक और इन्वामेंट के लिए तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं यहाँ पर आपको सारे के सारे अपडेट्स और प्लस करंट अफेयर्स अपडेट्स और इसके अलावा जो पीडीएफ होती है या जो बुक्स वगैरह में जो अपडेट्स आते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ इस लेक्चर में हम लोग एक्चुअल में बात करने वाले हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ भारत के अंदर के इंडिया के अंदर के डिफरेंट लॉज एक्ट्स और डिफरेंट तरह के जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं इंडिया में जो नीतियाँ वगैरह बनाई गई भारत में पर्यावरण की सुरक्षा को लेते हुए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो न्यूज़ में रही हैं उन सब पर हम यहाँ बात करने वाले हैं बहुत कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है इन टॉपिक्स में करने के लिए पर स्टैटिक में बहुत कुछ था जो हम लोगों ने स्टैटिक डिस्कशन में किया हुआ है आइए देखते हैं उनके रिसेंट अपडेट्स क्या क्या हैं ओके सो पहला टॉपिक है क्लीन एंड ग्रीन विलेज प्रोग्राम सो क्लीन एंड ग्रीन विलेज प्रोग्राम क्या है ये देखो ये जो क्लीन एंड ग्रीन विलेज प्रोग्राम जो कंसेप्ट है ये पंचायती राज मिनिस्ट्री द्वारा लाया गया है और कोशिश यही है कि जो सोलर पावर है ओके okay, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और कॉमर्शियल लेवल पर उसको यूज में लाया जाए ओके okay, इस पूरे के पूरे आ, वर्क को जो प्रोसीड कर रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ही लेकर आया है लेकिन जो प्लान है जिसके अंदर इस प्लान को रखा गया आ, जो क्लीन एंड ग्रीन विलेज प्रोग्राम एक तरह से पाँचवा थीम है जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत आता है तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत प्रोग्राम को लेकर आया है ठीक है इसके अंदर करना क्या है देखो इसके अंदर कोशिश यही करनी है कि क्लीन एनर्जी पोटेंशियल को बढ़ाना है यानी ऐसे पावर जनरेशन के चीजों को लेकर आना है जैसे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है साथ ही साथ ये सेफ वाटर सैनिटेशन ओके सेफ वाटर सैनिटेशन लो पॉल्यूशन इन इन्वायरमेंट सस्टेनेबल विलेज के कॉन्सेप्ट को लेकर काम कर रहा है और साथ साथ जो यूएन को जो कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जैसे गोल नंबर सेवन जहाँ पर बात होती है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में और ग्लोल नंबर थर्टीन जहाँ पर क्लाइमेट एक्शन के बारे में उन चीजों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है उन उद्देश्यों को भी पूरा करने का लक्ष्य है एरिया ऑफ एक्शन किन किन क्षेत्रों में काम करेगा फिर ये आपको देखकर खुद दिख जाता होगा किन किन एरियाज़ में काम करेगा उसके उद्देश्य को लेते हुए ऑब्जेक्टिव्स को लेते हुए ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस क्लीन एंड ग्रीन स्कूल क्लीन एंड ग्रीन आंगनबाड़ी प्रमोशन ऑफ अग्नि फार्मिंग एंड प्रोग्रेसिव डिडक्शन ऑफ केमिकल्स जो हार्मुल केमिकल सबस्ट हैं उनके उपयोग को कम से कम करना है लोकल कम्यूनिटीज़ को काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन देना है और लार्जर पार्टिसिपेशन है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी एक कि एक्शन प्लान से कुछ होने वाला नहीं है जब तक लोग एक साथ मिलजुल काम नहीं करेंगे आगे बढ़ते हैं ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान एक्चुअल में है क्या जो क्लीन एंड ग्रीन विलेज वाले कंसेप्ट को लेकर आया देखो हर साल एक्चुअल में क्या होता है पूरे भारत में सेकेंड अक्टूबर से लेकर थर्टी दिसंबर है ना ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को कंडक्ट किया जाता है आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा तो ये ड्यूरेशन ध्यान रखना Uh, बाबू की बर्थ एनिवर्सरी से लेकर एंड ऑफ द ईयर तक ये इसमें पूरा का पूरा पीपल प्लान्स कंपेन होता है यानी लोगों की भागीदारी होती है यहाँ पर और ख़ास तौर से यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायरिटी जो दी जाती है लोकल बॉडीज़ को दी जाती है ओके यहाँ पर कोशिश ये करनी होती है कि जो लोग हैं सिटीजन्स हैं और जो वहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ भी हो सकता है ग्राम पंचायत या ब्लॉक लेवल पर जो भी वहाँ पर होगा उसके साथ मिलजुल कर एक डिसेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस को यूज़ करना होता है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब होता है रूट लेवल पर जैसे गांव गांव के स्तर पर छोटे छोटे ब्लॉक लेवल के स्तर पर प्लानिंग करनी होती है और वहाँ पर क्लाइमेट एक्शंस है ना यानी क्लाइमेट की सुरक्षा के लिए प्रयास करना होता है ये कुल नाइन थीम्स हैं जो एक्चुअल में इस ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत काम करते हैं पावर्टी फ्री एंड लिवलीहुड इन्हांस विलेजेस गरीबी को दूर करो और गाँव के स्तर पर जो जीविकोपार्जन है उसको बेहतर बनाओ हेल्थ विलेज ठीक है गाँव को हेल्दी करो गाँव के लोगों को चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत ठीक है वाटर सेचुरेटेड विलेजेस क्लीन एंड ग्रीन पंचायत जो मैंने अभी आपको बोला जिस कंसेप्ट को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत यही वो हेडिंग है पांचवा थीम जो अभी हम बात कर रहे थे उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं इस पूरे टॉपिक्स में विलेज विद सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सोशली सेफ विलेज वेल गवर्न विलेज एंड वीमेन फ्रेंडली पंचायत तो नाइन थीम पर काम करता है और पांचवा थीम जो ये है जो चर्चा का विषय रहा है तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान ये पूरे नौ थीम पर काम किया जाता है सेकेंड अक्टूबर से थर्टी फर्स्ट दिसंबर के अंतर्गत और पीपल्स प्लान जो होता है कंपेन के अंतर्गत ये सारा जो होता है कामकाज किया जाता है अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम हर साल ये प्रोग्राम जो होता है चर्चा का विषय रहता है जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह के बारे में चर्चा की जाती है फिलहाल इस प्रोग्राम की अगर हम शुरुआत करें तो 2019 से ही माना जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो कि भारत की लीडिंग मिनिस्ट्री है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करने के लिए उसके अंतर्गत ही जनवरी 2019 में इस इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया इसमें जो टारगेट सिटीज़ होते हैं वो एक्चुअल में वही होते हैं जो 131 सिटीज़ हैं इसमें इंप्रूव्ड एयर क्वालिटी जिनकी इंप्रूव करनी और वो वो शहर हैं जो कि नॉन अटैंडमेंट सिटीज़ के अंतर्गत हैं नॉन अटैनमेंट सिटीज़ का मतलब है जिनको पिछले पाँच सालों में लगातार इनके यहाँ एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहा है जो मानक है उससे भी ज़्यादा लेवल पर इनके यहाँ एयर पोल्यूशन रहा है और यहाँ पर पाँच साल कॉन्स्टिट्यूटली लगातार बना हुआ है उसको हम नॉन अटैंडमेंट सिटीज़ कहते हैं तो कुल ऐसे मिलाकर 131 वन, वन सिटीज़ को ये टारगेट करता है और प्लस इसके अलावा कुल 24 स्टेट के अंदर जो जो मिलियन मिलियन प्लस प्लस सिटीज सिटीज अक्रॉस 24 स्टेट्स में की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है उन सिटीज को भी इसके अंदर कवर किया जाता है तो मेरे ख्याल से आप नॉन अटेनमेंट सिटीज समझ चुके हैं जो नेशनल एम्बियन को एयर क्वालिटी इंडेक्स एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के मानक को पूरा नहीं करता है पांच सालों से लगातार उनको हम है ना उनको हम एक्चुअल में नॉन अटेनमेंट सिटीज के नाम से जानते हैं और इनको इनको डिसाइड किसने किया है कि नॉन अटेनमेंट सिटी क्या कौन से होंगे तो ये चीजें होती है सीपीसीबी बी के अंतर्गत सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत यहां टारगेट क्या होता है टारगेट ये होता है कि हमें जो पोल्यूशन लेवल है ओके okay, जो पार्टिकुलेट मैटर है उन्हें 40 परसेंट तक रिड्यूस करना है 2025 से 2026 तक और बेस ईयर जो डिसाइड किया गया है, वो 2017 बेस ईयर का 40 परसेंट पार्टिकुलेट मैटर का रिडक्शन करना आगे आने वाले 2025 से 2026 तक ये उसका पूरा टारगेट है सिटी स्पेसिफिक जो एक्शन प्लान है वो क्या है ठीक है तो सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान जो है यू मैंने आपको बता दिया जहां पर हम सिटी के लेवल पर कोशिश करेंगे कि वेकुलर इंडस्ट्रियल ए, इंडस्ट्रियल एमिशन को कम करें और इंक्रीज़ द पब्लिक अवेयरनेस लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाएं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कम्युनिटी लेवल पर काम करना होगा इंडिविजुअस्टिक लेवल पर हम अगर काम करेंगे अकेले कोई व्यक्ति या कुछ लोग व्यक्ति काम करेंगे तो एनवायमेंट को हम सल्यूशन नहीं कर सकेंगे इसीलिए जब इंटरनेशनल लेवल पे भी बात होती है तो कहा जाता है भाई डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री दोनों को मिलकर काम करना होगा तो यहाँ पे भी अगर आप किसी कंट्री के अंदर बात करते हैं तो किसी एक या दो व्यक्ति के स्तर पर नहीं पूरी कम्युनिटी के स्तर पर आपको काम करना होगा इम्प्लीमेंटिंग ओवरसाइट मॉनिटरिंग ऑफ सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान इज कैरीड आउट बाई कमेटी जो कि सेंट्रल स्टेट लेवल पर काम करेगा मतलब इस चीज को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है ऑब्जेक्टिव क्या है भाई एन का ठीक है आर्गोमेंटिंग ऑफ मॉनिटरिंग नेटवर्क यानी इफेक्टिव और एक प्रोफिशियंट एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क पूरे देश में स्थापित करना होगा जो डेटा वगैरह आ रहा है है ना उसको डिसिमिनेट करना होगा और डेटा प्रॉपर तरीके से आना चाहिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हिसाब से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं टाइमली बेसिस पर मैनेजमेंट प्लान इसको प्रॉपर मैनेज करने का तरीका क्या क्या होगा एक प्रॉपरली फिजल मैनेजमेंट प्लान बनाना होगा जहाँ पर हमें एयर पॉल्यूशन को तो कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी और यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्लान भी बनाना होगा और लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाना होगा नहीं तो हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अब ये नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान को कुछ ग्राफ और पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है यहाँ साफ साफ कह रहा है इसमें नॉलेज एंड डेटाबेस ऑगमेंटेशन होना चाहिए होनी चाहिए जो संस्थाएं हैं उनको और ज्यादा बल मिलना चाहिए और मिटिगेशन एक्शन इस तरह के पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करनी है नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान के अंतर्गत टेन्योर क्या है मिड टर्म टेन्योर जो है वो फाइव ईयर्स के अंतर्गत चीजों को कंट्रोल करना है और जो लॉन्ग टर्म टेन्योर है उसमें बीस से पच्चीस साल के लिए योजनाएं बनानी है ठीक है योजनाएं बनानी है फाइन और मिड टर्म के केस में 2019 को हम क्या बनाएंगे एज अ बेस ईयर मानकर काम करेंगे ठीक है टारगेट क्या डिसाइड किया गया टारगेट यही डिसाइड किया गया नेशनल लेवल टारगेट 20 से 30 परसेंट रिडक्शन पीएम 2.5 एंड 2.10 को करना होगा बाय 2024 तक ठीक है ये चीज़ें मैं आपको पी में दे रखा हूँ इसको ठीक से देख लेना एक बार ऊपर ऊपर से देखना है क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके स्टेटमेंट में लिखे होते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना है 20 से 30 परसेंट पीएम 2.5 एंड पीएम 2.10 पार्टिकुलेट मैटर जो साइज के होते हैं उनके कंसंट्रेशन को कम करना है 20 से 30 परसेंट आगे आने वाले 2024 के अंत तक ठीक है ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमें स्ट्रैंग के इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स है ना हमें कंट्रोल करने की कोशिश करनी है एयर पोलूशंस को एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग को काफ़ी चुस्त दुरुस्त करना है ताकि हमारे देश में लगातार इस तरह की चीज़ें मेज़र की जा सके अभी आगे बताऊंगा दिल्ली वगैरह में कुछ ऐसे प्रोविजंस लाए गए हैं कुछ ऐसे एप्लीकेशनस बनाए गए हैं जैसे एवरी मोमेंट ऑफ़ टाइम जो दिल्ली के सिटीजन्स हैं वो उनके एक्सेस कर सकते हैं और प्लस वो अपनी राय भी दे सकते हैं किसी जगह पर कोई दिक्कत हो रही हो तो उस एप्लीकेशन से सरकार को तुरंत पता चल जाएगा क्योंकि दिल्ली ऐसा शहर है जो कि पूरी दुनिया में हेलीपॉप टेड कैपिटल्स के नाम से जाना जाता है और ये लगातार पिछले सता आठ सालों से भारत का जो दिल्ली है वो रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है नहीं ये लगातार बना हुआ है ओके okay, तो इस तरह की चीजें हैं पब्लिक अवेयरनेस वगैरह फैलाया जाए अभी बहुत ज्यादा जरूरी है अप्रोच में ठीक है मल्टी सेक्टोरल कोलेबरेटिव अप्रोच को अपनाया जाए इंटीग्रेटिंग अप्रोच को अपनाया जाए ठीक है स्मार्ट सिटीज वगैरह के जो कंसेप्ट उनको उन उनपे ठीक तरीके से काम किया जाए ठीक है नॉन अटेंडमेंट सिटीज को भी लेकर काफी अच्छे से काम किया जाए ओके okay, क्योंकि वो उनकी संख्या वगैरह जो लगातार बढ़ा रहे हो तो वहाँ पर क्योंकि अगर लोग ज़्यादा होंगे तो रिसोर्सेज का उपयोग ज़्यादा होगा रिसोर्सेज का उपयोग ज्यादा होगा तो वहाँ पर पल्यूशन भी ज़्यादा होगा तो इस तरह की चीज़ों को हम मैनेज करें ताकि आ, मतलब क्लीन एयर एक्शन प्लान के थ्रू ताकि इस तरह की दिक्कतों को आगे होने से हम रोक सकें यहाँ देखो की कंपनी की कंपोनेंट्स ऑफ एन के बारे में लिखा हुआ है एक बार मैं पढ़ देता हूँ ये सारे फैक्चुअल डेटा हैं

ठीक है लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस तरह से पॉल्यूशन से एयर क्वालिटी फॉर फोरकास्टिंग प्रणाली बनानी होगी लोगों को बताना होगा जागरूकता फैलाना होगा जैसे न्यूज़ चैनल वगैरह में न्यूज़ आते हैं उस तरह से कुछ करना होगा सर्टिफिकेशन सिस्टम करना होगा मॉनिटरिंग करने के लिए इन चीज़ों को इंटेंसिव ट्रेनिंग और अवेयरनेस देना होगा लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग खुद सक्षम होना होगा इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन भी जरूरी है सोर्सेज अपॉइंटमेंट फॉर द नॉन अटैनमेंट सिटीज़ तो जो नॉन अप्रेंट सिटीज उनके सोर्सेज वगैरह को भी देखना होगा नेटवर्क ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को भी साथ लेकर चलना होगा टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हमेशा ज़रूरी है अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बी एस फोर की जगह बी एस सिक्स इंजन क्यों लाए गए होते है ना नहीं लाए गए होते टेक्नोलॉजी असेसमेंट सेल हमेशा ज़रूरी है रिव्यू ऑफ स्टैंडर्ड हमेशा होते रहना चाहिए जो स्टैंडर्ड को फॉलो करना है समय के साथ साथ उस पर भी लगातार रिव्यू होना चाहिए ताकि लोगों को इसकी उसकी जानकारी लगातार होती रहे तो यह है पूरा का पूरा एनसीए पी के जितने भी टॉपिक से जितनी भी चीजें थी मैंने आपको जोड़कर बता दी अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मिशन लाइफ क्या है मिशन लाइफ सुनेगा देखिए मिशन लाइफ एक तरह से एक कंपेन है ठीक है एक तरह से एक कंपेन ही है ठीक है और इंडिया लेट ग्लोबल वास मूवमेंट है ठीक है सो ग्लोबल मास मूवमेंट है जिसमें इंडिया भी इसका एक पार्टिसिपेटरी होता है कोशिश यही करनी है कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं है ना लोग हैं या कोई कम्युनिटी है उनको खास तौर से उनको एक्शन लेना होगा और कोशिश करनी होगी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ठीक है तो मिशन लाइफ ओवरव्यू के अंतर्गत यही चीज़ है एक इंडिया लेट ग्लोबल मास मूवमेंट है जो पूरी तरह से इंकरेज करता है किसी इंडिविजुअल्स को या किसी कम्युनिटी को एक्शन लेने के लिए किसी भी तरह का इन्वायमेंट Uh, जो डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए ये लॉन्च कब हुआ है आपको बताऊं तो द इनिशिएटिव ऑफ ऑबिशली लॉन्च बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ट्वेंटी सिक्स यू क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो यू एन की मीटिंग थी यू की जो छब्बीसवीं मीटिंग थी कोप ट्वेंटी मीटिंग थी वो ग्लासगो में हुई थी और नवम्बर ट्वेंटी में वहाँ पर इन्होंने इसके बारे में बात कही थी ठीक है तो मिशन लाइफ ये ध्यान रखना दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन और इंडिया ग्लोबल मूवमेंट और ये प्रधानमंत्री जी का नाम और ये 26 क्लाइमेट ग्लासगो में जो की, की जो की मीटिंग थी पीछे की में मैंने आपको यूएनएफसी पर चर्चा की हुई है ठीक है इसके अंतर्गत मिशन लाइफ में टोटल जो सेवन थीम्स है उसकी मैंने एक लिस्ट आपको दे दी इसके अंदर किन किन इशूज से जुड़े मसले हैं जिन पर काम किया जाएगा ऊर्जा के संरक्षण पर काम किया जाएगा जल के संरक्षण पर काम किया जाएगा नॉट इवन सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक यानी ऐसे प्लास्टिक जिसकी रिसाइकिलिंग नहीं की जा सकती उसको पूरी तरह से बंद किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम किया जाएगा सस्टनेबल uh, फूड को अडॉप्ट किया जाएगा सस्टेनेबल फूड uh, जो प्रणालियाँ हैं जैसे किसी भी तरह का नुकसान ना हो uh, वेस्ट वगैरह को कम करने की कोशिश की जाएगी और एक हेल्दी लाइफ को जीने पर बात होगी ठीक है तो ये सारी के सारे थीम्स हैं जो मिशन लाइफ के अंतर्गत आते हैं तो मिशन लाइफ थोड़ा ध्यान रखना दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स uh, क्या है मेन ऑब्जेक्टिव यही है लगभग वन बिलियन इंडियंस को जो इंडिविजुअल्स पूरे वर्ल्ड वाइड में हैं इवन उनको सस्टेनेबल लाइफस्टाइल देने की कोशिश करनी है तो सस्टेनेबल लाइफ स्पैन लाइफ स्टाइल के लिए वो सेवन के सेवन जो मैंने पॉइंट्स बोले थे वो सारी चीजें आएंगी है ना प्रॉपर सस्टेनेबल एनर्जी होनी चाहिए सस्टेनेबल फूड होना चाहिए सस्टेनेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए लिवलीहुड होनी चाहिए ये सारी की सारी चीजें जोड़कर इसके अंदर आती हैं जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं देखो इसका सिद्धांत क्या है ठीक है इसका सिद्धांत क्या है तो यहाँ पर अगर देखें तो ये पूरी तरह से पिथरी मॉडल के सिद्धांत पर बेस्ड है ठीक है ये पूरी तरह से पिथरी मॉडल के सिद्धांत बेस्ड है अब P3 मॉडल का मतलब होता है प्रो प्लेनेट और पीपल पीपल अब प्रो का क्या है मैंने यहां समझाने की कोशिश की गई है लाइफ पुट्स इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव ड्यूटी ऑन एवरी वन टू लिव दैट इज इन ट्यून विद द अर्थ एंड डज नॉट हार्म इट यानी हर किसी को अपना जीवन पृथ्वी के अनुकूल ही जीना है ठीक है जिससे हम पृथ्वी को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना करें यानी हर कोई अपनी जिंदगी को इस तरीके से जिए जिससे हर व्यक्ति है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां वो अपने जीवन को जी रहा है वहां दूसरी तरफ से वो पृथ्वी को बर्बाद ना करे ठीक है तो यहाँ पर अर्थ को भी यू शुड नॉट है पूरा का पूरा प्रिंसिपल है जिस पर काम करता है और या कह लो कि ऑफ द प्लैनेट फॉर द प्लैनेट एंड बाई द प्लान के लिए काम करना है यह है पूरा का पूरा इसका प्रिंसिपल मिशन लाइफ का जो उद्देश्य है थ्री ऐसे प्रॉन्ट्रैटजीज हैं जिसमें अडॉप्ट किए जाते हैं पहला यहाँ पर एनकरेजिंग इंडिविजुअल टू प्रैक्टिस ठीक है तो लोगों को और ज्यादा यहाँ पर इंकरेज करना है इस तरह की चीजों को करने के लिए ताकि हम एक इफेक्टिव इन्वामेंटल फ्रेंडली एक्शन ले सकें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरा हमें इंडस्ट्री वगैरह इस तरह के लेने हैं या फिर मार्केट्स वगैरह इस तरह के होने चाहिए जहाँ पर हम जिस तरह की चीज़ों को बनाते हैं वो पूरी तरह से सस्टेनेबल प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं यानी ह्यूमन उसको यूज करता है लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम टू द इन्वायरमेंट और तीसरा यहाँ पर गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ काफ़ी प्रभावी होने चाहिए जो पूरी तरह से सस्टेनेबल कंजम्शन और प्रोडक्शन को बूम करे बूस्टअप करें ठीक है अब यहां पर देखो क्या क्या चीजें आती हैं आपको यहां पर सातों पॉइंट पिक्चर के फॉर्म में समझाने की कोशिश करिए सेव एनर्जी सेव वाटर नो इवन सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम रिड्यूस वेस्ट एडॉप्टेल्दी लाइफ लाइफस्टाइल और रिड्यूस ई वेस्ट इसी पूरे कंसेप्ट बेस्ड होकर ये जो भारत द्वारा ई जो मिशन लाइफ कंपेन है ये चलाया गया है और इसका इनिशिएटिव जो है दो हजार कन्वेंशन से माना जाता है को उससे इन्फ्लुएंस है ठीक है तो ये चीजें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन याद रखिएगा अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है ग्रीन वार रूम अब ग्रीन वार रूम मैंने अभी आपको बोला था दिल्ली के बारे में कि दिल्ली में आ, जो एयर पोल्यूशन है वो विंटर के टाइम में क्या हालत होती है हर किसी को अच्छी तरीके से पता है और दिल्ली में फॉक टाइप की कंडीशन भी होती है स्मॉक टाइप की कंडीशन आती है और उसके पीछे जो रीजंस होते हैं स्मॉक के पीछे आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली के अगल बगल जो आउटस्कर्ट स्टेट हैं वहाँ पे पराली जलाई जाती है इंग्लिश में जैसे आप स्टबल बर्निंग कहते हैं ठीक है तो उन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे और ये ग्रीन वार रूम को लाने के पीछे क्या उद्देश्य है

तो ठीक है यानी एक युद्ध की तरह काम करेगा एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए और विंटर एक्शन प्लान के तहत इसको लाया गया क्योंकि विंटर में ही दिल्ली की कंडीशन इतनी गंदी होती है क्योंकि फॉग आ जाने से जब स्मोक यानी धुएं जो पराली वराली जलाने के बाद बनते हैं वो जब फॉक के साथ रिएक्ट करते हैं स्मोक और तो स्मोक बन जाता है और वो एक सेकेंडरी पॉलुटेंट होता है जो मैंने आपको बताया था स्टैटिक में भी जो एक इफेक्ट होता है और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हमेशा बहुत खतरनाक होते हैं जैसे स्मोक या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन या पैन या पाह जैसे परेस्टल एस्टिल नाइट्राइट या परस्टल एस्टाइल हाइड्रोकार्बन -हुत ये जो चीजें होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं जो कार्डिक स्ट्रोक और बहुत सारी अधिक दिक्कतें होती हैं जो विंटर्स वगैरह में काफी देखी गई इस तरह की चीजें लॉस स्मॉग है ना और अलग कंट्रीज में अलग अलग लंदन स्मॉग के नाम से भी जानी जाती है कहीं पर सल्फर की मात्रा में ज्यादा हो जाती है कहीं पर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तभी इनके अलग अलग कंट्रीज़ में इस तरह के केसेस पहली बार देखे गए लॉस एंगल्स में देखा गया तो लॉस एंगल स्मॉक्स बोलते हैं लंदन में देखा गया तो उसे लंदन स्मोक बोलते हैं है ना ये सारी चीजें जो होती है और हमारे दिल्ली में ऐसा कोई दिल्ली स्मोक नाम नहीं लिया गया है पर दिल्ली में ऐसा एक्शन है जो कि लिया गया है और जो कि काबिल तारीफ है ओके okay, दिल्ली जो है वो काफी सीवियर एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स को डील करता है विंटर्स मंथ में और यहाँ पर बहुत सारे रीजंस होते हैं जैसे व्हीकल्स एक रीजन है है ना व्हीकल्स बहुत ज़्यादा संख्या में दिल्ली में यूज होता है उसके पॉल्यूशन होते हैं इंडस्ट्री वगैरह जो दिल्ली में आउटस्कर्ट एरियाज में जो चल रही हैं डिफरेंट जो कॉन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं वो और इसके साथ साथ जो पराली का जलना होता है स्टबल बर्निंग पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जैसे स्टेट में ये सारे के सारे जो रीजन होते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्रिएट करती है ओके okay, अब देखो इसके अंदर करना क्या है एक मोबाइल एप्लीकेशन है मैंने भी आपको बोला इस वार रूम के अंतर्गत क्या होता है ओके okay, तो एक मोबाइल एप्लीकेशन और उसका नाम है है ग्रीन दिल्ली ऐप ये पूरी तरह से कोशिश करता एंटी डस्ट के फॉर्म में दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है आ, यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट पॉल्यूशन के बारे में अपने सिटीज में हर जगह अपडेट दे रही होती है और सिटीजन्स को भी रिपोर्ट देना होता है पॉल्यूशन रिलेटेड कोई कंप्लेन होता है तो यहाँ पर यहाँ पर सिटीजन्स uh, वगैरह भी मॉनिटर कर रहे होते हैं बाकी दिल्ली गवर्नमेंट अपना मॉनिटर कर रही होती है इस तरीके से एक कोलेबरेटिव अप्रोच कर कर जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो ग्रीन वार रूम जो एप्लीकेशन के फॉर्म में लाई uh, है जिससे एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स को विंटर में कम करने का प्रयास कर रही है ध्यान रखना ग्रीन वार रूम क्या है कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप आ, कुछ और वार समझ जाइए ठीक है कि कोई ठीक है कोई हरी वार हो रहा होगा जिसमें नॉन नॉइंड पॉल्यूशन नहीं भाई थोड़ा ध्यान रखना ये चीज न्यूज में रहा है तो दैट में बी अ गुड क्वेश्चन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सी कल्टीवेशन ठीक है सी वीट जो समुद्रों वुंद्रो के अंदर जो कुछ विशेष तरह के एक्चुअली एल्गी या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका अपने लेवल अगर देखा जाए तो इनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं उनको लेकर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ है उस पर हम लोग बात करेंगे क्या है अपडेट्स ये सारा का सारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सी वीड्स पे जो ऑर्गेनाइज हुआ है वो हुआ है कोटेश्वर एक जगह है कौरिक्री कक्ष में गुजरात में हुआ है है ना ऑन प्रमोशन ऑफ सी वीड कल्टिवेशन यानी यहाँ पर हम जो समुद्रों के जो सी वीड्स वगैरह है उनके कल्टिवेशन पर जोर देने की बात करें और उसके अपने बेनिफिट्स भी हैं वो भी आपको धीरे धीरे बताऊंगा तो हो सकता है इस पेपर में इस बार आपके पेपर में जैसे अलगलब्रूम इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी गुच्ची पे क्वेश्चन आ जाता है तो क्या पे इस बार आपके पेपर में सीवीड्स पे क्वेश्चन आ जाए ठीक है ना तो ये सारे के सारे अपडेट्स जो है दिस इज दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन इनका उद्देश्य क्या है इनका उद्देश्य यही है कि हम लोग जो सीवीड का जो कल्टिवेशन करें पूरे भारत में करें ओके okay, और मरीन प्रोडक्शंस को काफ़ी हद तक फोकस किया जाए क्योंकि ये होते कहाँ हैं समुद्रों में मैंने आपको पहले बता दिया इसे नाम भी जो है वो सी का सी वीट्स बोले गए वीट्स जनरली वो होते हैं जो अनवांटेड पौधे होते हैं जिन्हें आप हिंदी भाषा में खरपतवार कहते हैं तो समुद्रों में पाए जाने वाले खत हैं लेकिन ये बहुत तरीके से उपयोगी हैं ठीक है अब किस किस तरीके से उपयोगी आपको धीरे धीरे बताता हूँ तो क्या मैक्रोस्कोपिक होते हैं यानी काफी बड़े आकार के होते हैं आप इनको देख सकते हैं अपनी आंखों से भी मल्टी सालर मराइन अलगीव होते हैं है ना ये समुद्रों में पाए जाने वाले बहुत बहु की शैवाल हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं रेड ग्रीन ब्राउन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के लिए इन्हें मेडिकल फूड ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के नाम से भी बोला गया है इसका सीधा मतलब है इनकी लॉट ऑफ हैव अ लॉट ऑफ मेडिसिनल वैल्यूज तो याद रखना ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के मेडिकल

Uh, कुछ ऐसी स्पेसीज हैं जिनका स्पेशली कल्टीवेशन ही किया जाता है सी वेड्स का जैसे अगार आगार आगार आपने सुना होगा ये कुछ हल्गी होते हैं जिलेडियम ग्रासिलेरिया जी अगर किसी की बॉटनी वोटनी टाइप का सब्जेक्ट रहा हो जो एक तरह से कल्चर की तरह ग्रो करता है टिश्यू कल्चर वगैरह में अगार आगार का यूज किया जाता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ कराया जाता है ठीक है इसके अलावा जैसे एलजी है लिक्विड सी वीड्स हैं ठीक है अब ये 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 फर्टिलाइजर्स वगैरह के फॉर्म में भी इनका उपयोग हो सकता है अब कुछ स्पीसीज के नाम लिखा है जेलिडीएल ग्रेसिलेरिया एरिया सारासम टर्बीन एरिया सिस्टोस एरिया ये आपके काम के नहीं है ये थोड़ा सा ध्यान रखना जो ऊपर रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है इट मे बी अ गुड क्वेश्चन फॉर योर पेपर क्योंकि समटाइम यू बी एस सी द क्वेश्चन ऑन एग्जाम्पल्स सी वीड्स के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो इन्हें हम बायो इंडिकेटर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं इन्हें फूड के सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं इन्हें बायो प्रोडक्ट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की तरह असल में क्या होता है ये सी वीड्स जो होते हैं अगर एक्सेस न्यूट्रियट्स हो है ना तो उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं पहली चीज़ ठीक है इस तरीके से जैसे कोई केमिकल वेमिकल सब्सटेंस या कुछ किसी uh, समुद्र वगैरह में हो सकता है कुछ हार्मफुल लेवल पर समुद्र के एक्वाटिक सिस्टम को बर्बाद करे तो ये उनको एब्जॉर्व करके समुद्र वगैरह के इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं ठीक है और कहीं ना कहीं सीवीर्स में होने वाले चेंजेस पानी के अंदर ये बताते हैं कि समुद्र के अंदर कुछ केमिकल सब्सटांसेस की मात्रा जो है लगातार बढ़ रही है यानी एक तरह से अलार्मिंग देते हैं जैसे लाइकेन जो होता है इंडिकेटर ऑफ क्या होता है एयर पोल्यूशन और अभी एयर पोल्यूशन में किस गैस का सल्फर डाइऑक्साइड का वैसे ही ये भी हार्मफुल केमिकल सब्सटांसिस को बारे में बताते हैं कि एक्वाटिक सिस्टम के अंदर बढ़ रहा है और साथ साथ ही उनको एब्जॉर्व भी करते हैं तो एक्वटिक सिस्टम को भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं फूड सोर्सेस है तो ठीक है इनको हम फूड की तरह भी खाते हैं ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाइटमिन मिनरल्स और बहुत सारे डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं इनके अंदर बायो प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनका यूज़ जो देखा जाए तो कॉस्मेटिक्स के फॉर्म में फार्मास्यूटिकल है ही बायो प्लास्टिक्स की तरह भी यूज़ किया जा सकता है बायो प्लास्टिक वही प्लास्टिक होते हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं और वो आसानी से डीकम्पोज भी हो जाते हैं इनके उपयोग करने के बाद तो ये किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता इन्वायरमेंट में इनको हम बायो कहते हैं बायोप्लास्टिक वैसे भी देखा जाए तो ये इन्वायरमेंट का भी टॉपिक है और साइंस एंड टेक का भी टॉपिक है साइंस एंड टेक में मैंने आपको कुछ बायोप्लास्टिक के नाम पहले भी बताए हैं जैसे पॉलीहाइड्रॉक्सी ब्यूटाइडेड जो दुनिया का पहला बायोप्लास्टिक था उसके बाद मैंने पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कानोइ के बारे में बताया है और एक और बताया है पॉलीलैक्टिक एसिड अगर आपने साइंस टेक की किताब पढ़ी होगी उसमें बायोटेक में लास्ट बायो में, में कुछ बायोलॉजिकल टर्मोलॉजीज़ हैं उन बायोलॉजिकल टर्मोलॉजीज में एक टर्म जो है बायोप्लास्टिक भी है जो आपको मिलेगा अगर आप ठीक से पढ़े होंगे तो ओके okay. इसके अलावा कुछ और भी सिग्निफिकेंस है दे द कार्बन फ्रॉम द दसियर एक बताऊ एक बार एक क्वेश्चन मैंने देखा उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा ओके फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है तो आंसर लिखा था है ना ओशन के अंदर और ओशन ही सही आंसर था क्योंकि ओशन में मैसिव अमाउंट ऑफ एलगी होते हैं और एलगी क्योंकि दे एक्विटी नेचर तो ट्रैप द सोलर रेडिएशन और प्लस सीओ भी है ना वो एटमॉस्फेयर से सीओ को लेते हैं सन की लाइट्स के प्रजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं है ना और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैसिव एलगी की मदद से कार्बन का एक सिंक भी होता है या सिक्वेस्ट्रेशन भी होता है या कार्बन का कैप्चर भी होता है इस तरीके से हम एटमोस एटमॉस्फेयर में सीओ की मात्रा को कंट्रोल भी करते हैं लिवलीहुड्स का सोर्स भी है ठीक है भोजन के फॉर्म में भी है काफी लोगों के लिए इनकम का सोर्स भी है क्योंकि जो, जो इस तरह की प्रोडक्टिविटी वगैरह है वहां पर और यहाँ पर इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है यानी कम इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ज्यादा मिलता है तो काफी लोगों के लिए इस तरह की चीजों से बनने वाले जो चीजें होती है वो लोगों के लिए प्रॉफिट ओरिएंटेड भी होती है वो लिखा भी है इस इन्वेस्टमेंट एंड क्विक रिटर्न्स के फॉर्म में और मेडिसिनल वैल्यूज मैंने आपको बता ही दिया बहुत सारी चीजें हैं जैसे लेगजेटिव जैसे मतलब आपके कॉन्स्टिपेशन टाइप की जो इश्यूज होते हैं पेट वेट में या गैस बन रहा है उस केसेस में कुछ सीवीड्स वगैरह का हम एज मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं इसके अलावा ग्वाइटर जो बीमारी होती है जो घेघा आप बोलते हो कैंसर वाली थेरेपी में इसके अलावा कार्डियक वेस्कुलर डिजीजेस में भी यानी हार्ट रिलेटेड इशूज के केस में भी एक अच्छा मेडिकल प्रॉपर्टी हो सकती है एक मेडिसिन की तरह हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको दिख रहा होगा कि सीवीड्स हाउ इट दे कैन बी यूजफुल फॉरस या हाउ दे आर इम्पोर्टेंट फॉरस ये पूरा का पूरा एक चार्ट है इस चार्ट में ऐसा कुछ है नहीं जो अलग से मैं आपको बताऊं आप आसानी से देख रहे हैं मेडिकल यूजेस बायो इंडिकेटर्स फूड सोर्सेज बायो प्रोडक्ट्स कार्बन कैप्चर और लिवलीहुड्स को जो चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब किया उनको यहाँ पर सिग्निफिकेस ऑफ सीवी में समझाने की कोशिश की गई है इन पिक्चर्स के थ्रू अब गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी हैं जो सीवीड्स को लेकर लाए गए हैं अब क्या है भाई गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो सी वीट्स को लेकर आए गए अब गवर्नमेंट ने सीवीड मिशन लाया है ठीक है अब ये कॉमर्शलाइज सी फार्मिंग एंड प्रोसेसिंग अलॉन्ग इंडियन कोस्टल लाइन एरिया पहली चीज दूसरा कॉमर्शलाइजेशन ऑफ सीवीड प्रोडक्ट्स के लिए जो आईसीएर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च उसका एक सेंट्रल फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो काम कर रहा है डिफरेंट तरह के सीवीड्स पर आधारित और डिफरेंट तरह के न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर बन रही है उनकी स्टडी हो रही है जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है और शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या है उसको उससे उससे निपटान भी दिला सकती है ना उसे आप निपट भी सकते हैं उस तरह के जो समस्या दूर कर सकते हैं मल्टीपर्पज सीवीड पार्क भी हैं जो बनाए जा रहे हैं तमिलनाडु वगैरह में इस तरह की चीजें हैं जो कल्टीवेट हो रही हैं जहां पर कोशिश करनी है सीवीड कल्टिवेशन को और ज्यादा प्रमोट करना है और इसके बहुत सारे एरियाज में मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच आपने देखा है तो बहुत लेवल पर हम इनके एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं अगले टॉपिक की तरफ करते हैं पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर

न्यूज में आया था इस कंपेन का सीधा मतलब है कि डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व है ना एम्स टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडिया रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ठीक है तो जो इंडिया की रिचेस्ट डाइवर्सिटीज हैं उसका एक लिस्ट बनाई जाए और उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की जाए ठीक है मतलब ये कि सीधा लोगों को जागरूक किया जाए एक एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है जो लोकली अवेलेबल बाय रिसोर्सेज के बेस पर जो वहां उस एरियाज में या उस गांव में रहने वाले लोग होते हैं वही इन जैव विविधता के बारे में जानते हैं और वही इनके बारे में बताते हैं जो पर्टिकुलर एरिया या विलेज में लोग रहते हैं क्योंकि इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्या पता वहाँ के लोकल एरियाज़ में लोगों को पता हो कि इस तरह के पेड़ पौधे इस तरह की विविधताएं इस विभिन्न तरह से हमारे जीवन में उपयोग में लाई जा सकती हैं और दूर सुदूर बैठे हम लोग इतने ज़्यादा वेल डेवलप एजुकेटेड और टेक्निकली एडवांस लोगों को उस तरह की जानकारियाँ नहीं हैं ठीक है ना जैसे अंडमान निकोबार या गोवा या इस तरह की कई चीजें फिलहाल शुरुआत तो गोवा में जो है न्यूज में रहा है सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बायोडावर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है ना जो स्टैब्लिश हुई है अंडर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत लाई गई है ठीक है और यहाँ पर ये यह जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो बनी है जो पीपल रजिस्टर करती है उसके लिए वो कंसल्टेशन करती है वहां की लोकल कम्युनिटीज पे बेस्ड होकर इस तरह से वहां की जैव विविधता के बारे में और ज्यादा डीपली नॉलेज हो सकता हो जाता है क्योंकि भाई साइंटिस्ट कितना कहाँ तक रिसर्च करेंगे हो पता है किसी लोकल एरियाज में लोग किसी पेड़ पौधे के बारे में कुछ ऐसी चीजें जानते हो कि आप बताओ उससे कैंसर नामक बीमारी खत्म हो जाए मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ को समझाने के लिए तो इस तरह लोकल लेवल पर भी जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है अबाउट बायोडावर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो बायलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत दो हज़ार दो के अंतर्गत बनाई गई क्या किया है ये कमेटी तो बी एम सी जो होता है वो लोकल बॉडीज मैंडेटेड बाई बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट ठीक है वो मैंने आपको बताया था इसी के अंदर आया है इसकी पूरी कोशिश है कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द बायोडावर्सिटी यानी नेशनल बायोडावर्सिटी अथॉरिटी जो है उसको ये सपोर्ट करता है

ठीक है जो सबसे पहले गोवा में जो न्यूज में आया तो पीपल बायोडावर्सिटी रजिस्टर्ड इज एक्चुअली अ क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को लेकर वहां के लोकल बायो रिसोर्सेस के आधार पर और दूसरा इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट यानी महत्वपूर्ण पौधों और चीजों की जानकारी साझा भी करता है एक दूसरे के साथ जो लोकल कम्युनिटी होती है वो इन यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद जब उन चीजों के बारे में बताती है बायोडावर्सिटी कमेटी को तो यहाँ पर उन चीज़ों को रजिस्टर किया था तो कहीं ना कहीं नॉलेज वगैरह का साझेदारी होती है कोलकाता ये भारत का पहला ऐसा मेजर मेट्रोपोलिटन सिटीज है जहां पर पी को बहुत मतलब प्रॉपर डिटेल तरीके से मैनेज किया गया ठीक है ना बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर तो कोलकाता इज द फर्स्ट मेजर मेट्रोपोलिटन सिटीज जहां पर इस तरह की शुरुआत भारत में सबसे पहले की गई है अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं गो ग्रीन इनिशिएटिव्स इन इंडियन रेलवे अब देखो गो ग्रीन इनिशिएटिव इन इंडियन रेलवे नाम खुद ही कह रहा है कि इंडियन रेलवे में कोशिश ये करनी है कि इंडियन रेलवे में काफी हद तक हम वहां पर ग्रीन इकोनॉमी की बात करें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नेचर की बात करें ये सारी चीजें यहाँ आएंगी और ये आपको बताऊँ यहाँ पर एक यूएस मेज बॉडी है यूएस बेस्ड बॉडी है जो इसके लिए काम भी कर रहा है ठीक है भारत के साथ अब देखो सारी कहानी शुरू होती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन रेलवे इंटू द ग्रीन रेलवे बाई टू थाउजेंड थर्टी के सिद्धांत पर काम कर रहा है ठीक है तो अब हम अपने रेलवे को भी ग्रीन रेलवे बनाने जा रहे हैं दो हजार तीस तक ठीक है ग्रीन रेलवे का मतलब होता है पूरी तरह से अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल रेलवे और सस्टेनेबल का मतलब आपको हमेशा समझ में आता है जिससे ना तो आज को कोई प्रॉब्लम होने वाली है ना तो आने वाले समय को कोई प्रॉब्लम होने वाली है ना तो जिससे ह्यूमन को कोई प्रॉब्लम होने वाली है ना तो किसी तरह की इन्वायरमेंट में कोई इंपैक्ट होने वाला हो इन सारी चीजों को लेकर जो शब्द बनता है वो होता है सस्टेनेबल ठीक है तो ये पूरी तरह से सस्टेनेबल होगा यहां मेजर इनिशिएटिव्स है जो बहुत सारी संख्या में लिए गए हैं स्पेशली अब इसके लिए क्या किया जाए तो यहां पर कोशिश यही करनी है मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड कॉम्बैक्टिंग क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट किया जाए कम किया जाए और क्लाइमेट एक्सचेंज जैसे प्रॉब्लम से कॉम्बैक्टिंग निपटने की कोशिश की जाएगी ठीक है ये सारी चीजें जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा इस इनिशिएटिव्स के अंदर लाया गया ग्रीन रेलवे अब इसके अंदर किया क्या जाएगा ग्रीन रेलवे के प्रिंसिपल पर क्या क्या चीजें आएंगी सबको यहाँ इस पॉइंट्स में समझाने के लिए भैया देखो यहां पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस है वो ठीक करना होगा एनर्जी एफिशियंसी को बढ़ाना होगा एनर्जी एफिशियंसी का मतलब होता है लेस इनपुट ऑफ एनर्जी और ज्यादा आउटपुट ऑफ एनर्जी जैसे मान लो मैंने ना सौ वाट का बल्ब यूज कर रहा हूं अगर उतनी लाइट मिल रही है अगर वही बारह वाट के एलईडी बल्ब से मुझे उतनी लाइट मिल गई तो ये मैंने एनर्जी एफिशियंसी का एग्जाम्पल आपको दिया एनर्जी एफिशियंसी बढ़ गई है ना लोकोमोटिव स्ट्रेन्स वगैरह के लेवल पर बढ़ाना होगा ग्रीन सर्टिफिकेशन फॉर इंस्टॉलेशन स्टे, स्टेशन एंड स्विचिंग टू द रिनबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ चलना होगा स्टेशन वगैरह के ग्रीन सर्टिफिकेट लिए जाएंगे भाई देखो जैसे आपने सुना होगा कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हंड्रेड सोलर पावर्ड है तो वो क्या है वो एक सस्टेनेबल एयरपोर्ट में कह सकता हूं या वो ऐसा एयरपोर्ट जो कि रिनुएबल एनर्जी पर बेस्ड है उसी तरह से स्टेशन की बात की जा रही है यहां पर स्टेशन की बात की जा रही है इससे होगा क्या नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ जो भारत ने भी अपना टारगेट बनाया है उसको पहुंचने में भी, भी मदद मिलेगी यहां तो कर ही रहे किसी स्टेशन को नेट जीरो बना लो जितनी इनपुट ऑफ एनर्जी और आउटपुट ऑफ एनर्जी उसमें कहीं भी किसी तरह का कार्बन एमिशन बैलेंस में है एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन हो ही नहीं रहा और ये इंडियन रेलवे हैज अंडरटेकन सम मेजर इनिशिएटिव्स टू गो ग्रीन है ना बहुत सारे कुछ ऐसे मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं गो ग्रीन की तरफ जाने के लिए अब यहां पर आपको मैंने बोला था यूएस में एक बॉडी है जो इसके साथ काम कर रही है जिसके साथ एक मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है जो साइन हुई है और परपस यही है कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है यानी नेचर से है ना एटमॉस्फेयर से ग्रीन हाउस गैस एमिशनस को कम करने की बात है ये जो बातचीत हुई है ये हुई है 14 जून 2023 को जो कि चर्चा का विषय रहा है और यह कोलैबोरेशन जो है इस कोलैबोरेशन में एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी को मिलजुल कर मतलब इसी इश्यूज़ पे काम करना होगा किस यूएस के साथ हुआ है तो उसका नाम है यूएसएआईडी यूएसआईडी का मतलब इंडियन रेलवे का जो डील होता है साइन वो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ ये कगार होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है अब इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी एरिया है जिस पर काम किया जाएगा पहला लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग देखो नाम खुद ही बता रहा है ऐसी एनर्जी प्लानिंग पे काम करना होगा जो कि लॉन्ग टर्म होगा और अफकोर्स गाइस यहां पर अगर इंटीग्रेटेड तरीके को हम यूज करें इंटीग्रेटेड करने का मतलब होता है सारे के सारे सारी पॉसिबिलिटीज को एक जगह लाया जाए और वहां पर कोशिश ये की जाए कि ग्रीन ग्रीन पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जैसे पॉल्यूशन कम से कम हो एनर्जी एफिशिएंट पॉलिसी बनाई जाए जो मैंने आपको बल्ब वाला एग्जाम्पल बताया था जहां पर एनर्जी इनपुट को कम लिया जाए और ऐसे एक्शन प्लान में आउट ऑप्टिमाइज एनर्जी है ना रिड्यूस कार्बन एमिशन हो ठीक है और यहां पर कार्बन एमिशन को कम किया जा सके अगली चीज क्लीन एनर्जी प्रोक्योरमेंट ठीक है ऐसे एनर्जी के ऑप्शंस को यहां पर लाया जाए जिससे इन्वायमेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो टेक्निकल सपोर्ट यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो हो वो अमेरिका या अलग कंट्रीज से भी भारत को मिले और भारत में भी कुछ नई तरह के रिसर्च और डेवलपमेंट करके टेक्निकल डेवलपमेंट किया जाए ताकि टेक्निकल सपोर्ट मिल सके एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट की बात करें तो इसके लिए एक टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ एक्टिविटीज आउटलाइन द मेमोरी अंडरस्टैंडिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय यूएस एआईडी अंडर द साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप इनिशिएटिव्स तो ये साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप जो है वो यूएस आईडी के अंदर आता है यही है एक तरह से जो एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल कमिटमेंट की बात करेगा टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह इससे मिलेगा अगर हम एस की बात करें तो ये फोकस करता है एनहांसिंग एनर्जी एक्सेस सिक्योरिटी सस्टेबिलिटी इन सिक्स साउथ एशियन कंट्रीज जिसमें भारत भी आता है ठीक है तो ये सारे के सारे सपोर्ट जो है साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप ये यूएस आई के अंतर्गत आते हैं और इनमें हमको भारत भी मिलता है लेकिन एक बात आपको बताऊं मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग अगर सच देखा जाए तो डज नॉट एंटेल एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट आर ऑब्लिगेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम इंडियन रेलवे तो ये बाध्य नहीं है किसी भी तरह की फंडिंग के लिए ये भी ध्यान रखेगा ठीक है एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल कमिटमेंट का सपोर्ट आपको मिला यूएसआईडी की तरफ से लेकिन किसी भी तरह का कोई बाध्यकारी चीजें नहीं है इसके अंतर्गत ठीक है उनका अपना विवेक है बुद्धि विवेक है हिसाब से चीजों को देना चाहते हैं एक डिस्कशन आता है इस बार करंट अफेयर्स के न्यूज में फिलहाल एसीए जो है वो जो प्रोग्राम है सब कंपा के नाम से जानते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत बार न्यूज में रहा है जो भारत के संदर्भ में जिस जिसपे हम लोगों ने स्टार्टिंग में चर्चा की है उससे जुड़ा कुछ नए अपडेट्स आते हैं जिसको देख लेते हैं प्रोग्राम तो के लिए आप ए ए टर्म यूज करेंगे क्या है ये छोटा सा इंफॉर्मेशन एक सूचना आपको देनी है मतलब कोई इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है क्या चीजें आई है सुनना मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने प्रपोज किया है 579 हेक्टेयर ऑफ़ लैंड प्रोग्राम्स ठीक है यानी इतना हेक्टेयर ऐसा एरिया है जिसको फिर से फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना है यही है अक्रीडिएटेड कंपनसेटरी ओके प्रोग्राम यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट रूल 2022 नॉन हजार यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड है ठीक है? है, है, है इसका एक अप्रूवल देना होता है ठीक है सिस्टम ऑफ प्रोएक्टिव एक्टिव फॉरेस्टेशन टू ऑप्टेन अप्रूवल फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड ठीक है तो किसी फॉरेस्ट लैंड को ओके okay, किसी फॉरेस्ट लैंड को ओके okay, अगर नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट करना है तो उसका आपको एक गवर्नमेंट अप्रूवल लेना होगा ये चीज है तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज प्रपोज 579 हेक्टेयर ऑफ रिक्लेम लैंड अंडर द एसीए प्रोग्राम अच्छा अंडर एसीए होता क्या है पीपल एंड गवर्नमेंट एंड टाइट entities can raise vegetation on fallow land and sell it to project developers who need to ca

इसलिए हो सकता है एसीए करके कभी कोई न्यूज़ आ जाए पेपर में पर मुझे नहीं लगता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक बार चलते चलते की तरफ से ऊपर से देख के निकल लीजिएगा अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स और ग्रीन बॉन्ड्स कोई इस साल का न्यूज़ नहीं है ये 2021 से ही न्यूज़ में रहा है ठीक है और दुनिया में ग्रीन बॉन्ड्स को काफ़ी पहले गए अब बॉन्ड्स है तो कुछ ऐसी फंडिंग है जो सरकार इकट्ठा करने की कोशिश करती है और ये फंडिंग इन्वायरमेंट के नाम पर इकट्ठा की जाती है इसलिए शब्द के पहले ग्रीन शब्द का नाम यूज कर लिया जाता है और इस बॉन्ड्स में लोग काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेंगे क्योंकि लगता है यार एक ऐसा बॉन्ड है जो सरकार जारी कर रही है जहाँ सरकार कुछ पैसे इकट्ठा कर रही है जिसको इन्वेस्ट करेगी कहाँ ग्रीन इकोनॉमी में पर्यावरण जैसी चीजों में तो कहीं ना कहीं मैं अपना पैसा भी कमा रहा हूँ मेरा एक बॉन्ड ले रहा हूँ एक सिक्योरिटी भी मिल जाएगी सरकार की तरफ से कि मुझे पैसे का फायदा भी मिलेगा और सेकेंड साइड सरकार इस पैसे का उपयोग उपयोगल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए करेगी वही है पूरी कहानी सवरिन ग्रीन बॉन्ड्स के नाम से तो सवर ग्रीन बॉन्ड्स वैसे भी आपके पेपर के लिए दो में सबसे पहले न्यूज में आया था यूनियन बजट दो हजार में जाकर ये अनाउंसड होता है दोबारा है ना जो फाइनली बड़े लेवल पर एक तरह का सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट द्वारा स्पेशली इन्वायरमेंट बेनिफिटेड जो प्रोजेक्ट है उनको सपोर्ट करने के लिए क्या मिल रहा है पैसा और मैंने आपको बार बार बोला है विदाउट मनी गाइस आप कहीं पेड़ लगाना कोई जगह लेना आप ये काम नहीं कर पाएंगे

तो मैंने ये कहा कि क्वेश्चन 2022, 23 दोनों में के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ना तो 22 में आया ना 23 में आया आगे भी देखते रहें 24 के लिए भी और 25 के लिए भी ऑनवर्ड्स फ्रेमवर्क क्या है इंडिया फाइनेंशियल सोवर ग्रीन बॉन्ड्स आउटलाइंस नाइन एलिजिबल कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट टू फाइनेंस यूजिंग एसडीबी

प्रोसीड्स फॉर द एसजी बी सबर एन ग्रीन बॉन्ड्स आर डिपॉजिटेड इन टू द कंसॉलिडेट फंड ऑफ इंडिया के फॉर्म में जाकर इकट्ठा हो जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल के अंतर्गत ये पूरा का पूरा होगा जो इसको मैनेज करेगी तो ये थोड़ा ध्यान रखना दिस इज द इम्पोर्टेंट वन ये पैसा एक तरह से भारत का एक कॉन्सॉलिडेटेड फंड है है ना दो तरह के फंड होते हैं जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं याद होगा पॉलिटी में भी याद होगा कंटिजेंसी फंड एंड कॉन्सॉलिडेटेड फंड तो ये कॉन्सॉलिडेटेड फंड है जिसको यूज का इसकी पूरी आ, 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 किसके हाथ में पूरा पावर होगा मैनेज करने का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिक डेफ मैनेजमेंट सेल एस जी बी आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाई हाँ ठीक है इसका जो पैसा और जो सब कुछ है उसको ऑडिट किया जाएगा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के अंतर्गत भाई सही बात है कहीं ऐसा ना इस पैसे के साथ भी किसी तरह का कोई करप्शन हो सके मतलब सरकार या कोई भी चीज है ना इन चीजों को प्रॉपर कंट्रोल किया जाए क्योंकि कुछ पता नहीं है कब सरकारें ईमानदार हों और कब हमें पता ही ना चले अंदर अंदर से ये लोग क्या गोलमाल कर जाए तो ठीक है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जरूरत है इन चीजों को ऑडिट करने के लिए तो कहीं ना कहीं सेंट्रल uh, बॉडी हो जाएगी और ये चीजों को ऑब्जर्व करेगी तो करप्शन वरप्शन होने के चांसेस यहाँ नहीं रहेंगे उन चीजों को काफी हद तक हम यहाँ सुरक्षित रख सकेंगे सो so, ये पूरा का पूरा छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको करा दिया बाकी पीडीएफ के लिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ये वो जगह है जहाँ जाकर आप ले लेंगे टेलीग्राम चैनल पर इस पर हमेशा ही जुड़े रहें ये आ, मेरा अपना एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल है बाकी यहाँ पर आप अपने चैटिंग अपने मैसेज करते रहते हैं जहाँ पर आपकी रिप्लाई वगैरह भी मैं आपको देता रहता हूँ ये टेलीग्राम चैनल इज अ डिस्कशन फोरम Uh, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां भी आपको मिल जाऊंगा बाकी यूट्यूब्स पर आप सब्सक्राइब कर लें फॉलो कर लें ये वीडियोस ही हैं जो आप डिफरेंट ग्रुप्स लोगों को शेयर करते हैं और यही वो जगह है जहाँ पर आपको कमिंग ईयर्स में आने वाले सालों में भी आपको क्लासेस दी जाती हैं नए नए अपडेट्स दिए जाते हैं ये वो क्लास है अगर आपको लगता है कि इन्वामेंट और साइंस एंड टेक आपको सीखना है एज अ विषय की तरह तो आप पूर्वांचल आई एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल और टैबलेट्स पे आपको कोर्सेज मिल जाते हैं ओके और साइंस टेक इन्वॉर्मेंट और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को लोग बहुत सीरियस नहीं लेते हैं जबकि इनमें से तीस से अधिक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं और आपकी मेरिट जब थर्टी टू फोर्टी के बीच जा रही है तो तीस क्वेश्चन अगर यहीं से आ जाए और आराम से अगर पंद्रह बीस क्वेश्चन आप साइंस टेक से कर लें तो मुझे लगता है आप में से किसी को कोई दिक्कत होने वाली पर आप साइंस टेक और को बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं और पूरे साल आप हिस्ट्री पॉलिटी इकोनमी और जोग्रफी जैसे विषयों को ही इंपॉर्टेंस देते हैं तो काफी बच्चे हैं जो अब साइंस एंड एन्वायरमेंट के महत्व तो को समझ रहे हैं और इसके साथ थोड़ी दिक्कत भी है लोग इसको सिर्फ करंट अफेयर्स का ही विषय समझते हैं ओके सो यहाँ पर स्टैटिक ज्यादातर आपको कम ही मिलेगा सुनने में लेकिन यही चीजें हैं जिनको मैं लिखता हूँ और यही चीजें हैं जो स्टैटिक के साथ करेंट्स के साथ मैं किताबें भी लिखता हूँ और क्लासेस भी लेता हूँ ये वो किताबें हैं जहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी साइंस टेक एनवायरमेंट जो कि इंग्लिश और हिंदी में सेम किताब आती है और सेम कंटेंट के साथ ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश में गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी है हिंदी की किताब में गुणवत्ता खराब है दोनों जगह एक ही गुणवत्ता है एक ही तरह की चीज़ें हैं जो दोनों जगह दी जाती हैं तो ये किताबें हैं अगर आपको विषय पढ़ना है लगता है कि हाँ साइंसटिक भी एक विषय है इसे भी पढ़ने की ज़रूरत है तो फिर आप ये किताबें ज़रूर पढ़िएगा और भी किताबें हैं लेकिन उन किताबों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं दी गई हैं जिससे आपको बहुत चीजें पता ही नहीं चलती सबसे बड़ी बात उन्होंने क्वेश्चन पेपर ही नहीं दिया है आपको ढंग से सारे क्वेश्चंस दिए ही नहीं है तो आपको ये भी नहीं बदलता ये भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है जो कि आया है साइंस टेक में तो कहीं आपको क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा नहीं तो आपको समझ में आता है साइंस टेक में भी कई ऐसे क्वेश्चन है इन्वायरमेंट में कई ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुए हैं सो पढ़िएगा जरूर क्योंकि किताबों से नॉलेज होता है लास्ट के पचास से साठ पन्ने के करंट अफेयर्स के नोट से नहीं सो यू एवरीवन अगली क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होगी तब तक अपना ख्याल रखें स्वस्थ रहें खुश रहें मस्त रहें मुस्कुराते रहें जय हिंद और हां मुझसे जुड़े रहें बहुत फायदे की चीज हो अपने बच्चों का कभी नुकसान नहीं होने देता जय हिंद